टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि एक के बाद एक खुलासे होने के बाद अब मोहम्मद शमी इन दिनों तो इंग्लैंड दौरे पर हैं, लेकिन हसीन जहां उन पर एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम आपको शमी के एक ऐसे इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हसीन जहां को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। दरअसल शमी ने यह खुलासा किया कि हसीन जहां ने उनसे जब शादी की 2014 में, तो उन्होंने मोहम्मद शमी को ये नहीं बताया कि वो पहले से तलाकशुदा औरत है और वो दो बच्चियों की माँ भी है। शमी के मुताबिक हसीन ने उन्हें कहा था कि वो दोनों बच्चियां उनकी बड़ी बहन की बेटियां हैं और उनकी बड़ी बहन का निधन हो चुका है, इस वजह से वो बच्चियां उनके साथ रहती हैं। इसके बाद शमी ने यह भी बताया कि हसीन जहां ने शादी के बाद धीरे धीरे कई राज खोलने शुरू किए, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि हसीन जहां ने कितना बड़ा झूठ उनसे कहा था। वहीं जब हसीन जहां के पहले पति सैफुद्दीन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हसीन और मैं एक दूसरे की सहमति से अलग हुए थे और आज भी वो अपनी बच्चियों से मिलती हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।